7 7 8 2
इसका आएगा 0.8451, 0.9031, 0.9542, उसके बाद 0.7627 और 10 का गलत ले लिया, 10 का आएगा, ध्यान दीजिए पेज गलत आ गया, 1.000 और उसके बाद आ जाएगा 1.0414, ठीक है, और उसके बाद आएगा 1.079। हम आपको किसी एक दो वैल्यू का लॉग वैल्यू निकालना बता देते हैं उनसे, बाकी देखो अब हम बता दें क्या होता है। सबसे पहले जो भी लॉग वैल्यू निकालते हैं उनका क्या करते हैं, अंकों का देखते हैं कितने एंटिटी हुई है उस वैल्यू में, इसमें एक अंक दिया तो 0.1 लिखेगा, इसमें देखते हैं 0.2, या दो अंक दे तो 1.2, दो दे 1.2, उसके बाद क्या करते हैं संख्या को अगर संख्या चार अंकों की नहीं है तो अपन उसको कम से कम तीन अंकों में तो अपन क्या परिवर्तित करते हैं, अगर तीन अंकों में बदलने के लिए संख्या में दशमलव लगा के जीरो लगा सकते हैं, मतलब कि 6 का क्या हो जाएगा 600, तीन अंक हो गया। साठ का जीरो जब अपन देखेंगे शुरू के दो अंकों को मुख्य मान के लॉग टेबल में देखते हैं, मतलब 6 का जब लॉग टेबल निकालेंगे तो क्या देखेंगे 60 का जीरो, और 60 का जब जीरो देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7782, तो वो लिखा हो गया। अब जैसे तुम्हें 11 का बता देंगे, 11 का मतलब है 11 मुख हो गया, दो और अंक लगा लेंगे 0 0, तो 11 का जीरो देखेंगे, तो 11 का जब जीरो देखेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 2 2 2, 11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 में 0 4 1 4 0 4 1 4। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो आप देख सकते हो जो हम बता रहे हैं वही उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद जो चौथा अंक है उसमें 0, चौथे अंक में जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 ही होती है, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कॉलम में नहीं होता मेन डिफरेंस में, ठीक है। इस प्रकार अपन कोई भी 8 का देख रहा है तो 8 का क्या हो जाएगा 80, 80 का 0 देखेंगे, 80 का जब 0 देखेंगे लॉग टेबल उसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है कितना 9031, तो जो लॉग वैल्यू देखते हैं उसको पॉइंट किस तरफ लिख देते हैं, पॉइंट के इस तरफ दाएं तरफ, तो देखिए जैसे हमने इसका बताया 9031 किस तरफ लिख दिया, उसके पहले जो प्रोसेस है वो हमको कि इससे निकल के कितने एंट्री दिए उतना अपन लिखेंगे, एक कम करके एक किया एक कम करके 0.2, दो दिए एक कम करके 1.2, तीन अंकों की संख्या होती एक कम करके 2.2 लिख देंगे, तो जो लॉग वैल्यू आती उसको 0.2 के दाएं तरफ लिख देंगे। तो इस तरीके से जब पूरी प्रक्रिया जो है वो सब क्या बन जाती है लॉग वैल्यू। अब लॉग वैल्यू का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 6.225, 10.1412 और 16.2558, 24.08092। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 16.00, उसके बाद 12.4968 और 8.6336। इस प्रकार जब मैं लॉग का लॉग वैल्यू का एक्सेल बना कर लिया तो हमें फॉर्मूला जो होता है इसमें जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एफ अपॉन एन, सिग्मा लॉग एफ क्योंकि जो लॉग वैल्यू है लॉग एक्स मल्टीप्लाई एफ, जो एक्स का हमने जो निकाला है वैल्यू का लॉग वैल्यू या लॉग एक्स बोल सकते, तो लॉग वैल्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लॉग वैल्यू मल्टीप्लाई एफ, ठीक है, गुणा है उसका जो टोटल आएगा वो अपॉन एन, एन क्या होता है आप लोगों का योग होता है 8 2 10 8 18 6 24 6 30 30 और 2 32 और 8 40 का 4 5 6 6 2 8 2 10 कितना हो जाएगा 100, तो एन हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का योग, इसका अपन टोटल कर लेंगे
94.5622 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 100 तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.9456 क्योंकि 2 दशमलव और रह जाएंगे इस तरफ जब भाग देंगे 100 से ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बोला था कि एंटी लॉग जब हम इसका निकालते हैं उसके पॉइंट के दायरे के वैल्यू को हम क्या मानते हैं, हम फॉर कॉलम के लिए डिजिट्स मानते हैं। फोर डिजिट्स क्या होंगे 9456 9456 का मतलब है कि 9 को मुख्य मान के 5 नंबर कॉलम में एंटी लॉग की वैल्यू देखेंगे। 9 की 5 नंबर की वैल्यू क्या होगी एंटी लॉग में, तो हम देखते हैं वो आ रहा है हमारा 5 नंबर के 8810 8810 आया 94 का 0.94 का 5 नंबर कॉलम में जो वैल्यू है वो 8810 है। उसके बाद 6 नंबर की वैल्यू चाहिए, 94 की 6 नंबर की वैल्यू में डिफरेंस में देखेंगे तो 12 आएगा, कितना आएगा 12। इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 2288 ठीक है, इसको अपन यहां लिख लेंगे 8822। अब क्या करना है, हमने देखा दशमलव की तरफ अंकों को देखो क्या अंक दिया हुआ है 0 1 2 जो भी दिया हुआ कुछ नहीं दिया ना 0। अब एंटी लॉग में एक काम करते हैं, वहां अंकों की संख्या जो है अंकों संख्या में जो अंकों की संख्या है उसमें एक काम करते हैं, यहाँ जो अंक है उसी में एक जोड़ते हैं, यहाँ अंक जो होगा जो वैल्यू होगी अंक डिजिट उसमें एक जोड़ते हैं, यहाँ 0 दिया एक जोड़ देंगे एक हो गया माइनस यहाँ तरफ दशमलव लगा दो तो क्या बन जाएगा 8.822 तुम्हारा जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा खंड श्रेणी में 8.822। कैसे निकाला, क्वेश्चन किया हुआ था चार कॉलम की टेबल बनाई, पहले वैल्यू लिख दी तो लॉग वैल्यू पर आवृत्ति है और लॉग वैल्यू एफ का गुणा किया तो अपन जो वैल्यू है वैल्यू का लॉग वैल्यू निकाला, एफ दिया था दोनों का आपस में गुणा किया, इस तरीके से जो आएंगे हमारी लॉग वैल्यू और आवृत्ति की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके उनका टोटल करेंगे तो सिग्मा लॉग एफ एक्स आ जाएगा, उसको एन से डिवाइड कर देंगे, जो एन होता है वो आवृत्तियों का योग होता है। फॉर्मूला क्या हो गया एंटी लॉग ऑफ लॉग सिग्मा लॉग एफ एक्स अपॉन ए, इसको एफ एक्स भी डायरेक्ट लिख सकते हैं जिससे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा लॉग एफ एक्स ठीक है अपॉन एन, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या जाएगा 0.9456 एंटी लॉग क्या निकालेंगे 9.4 का 5 नंबर कॉलम की वैल्यू और 9.4 का 0.94 का 6 नंबर की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8822। अब इसमें जो पॉइंट डिजिट्स लगाने पड़ते हैं वो दशमलव की दाएं तरफ जो भी अंक है उसमें एक जोड़ते हैं तो जो अंक आएगा उतना बाएं से दाएं तरफ उस वैल्यू में एंटी लॉग वैल्यू की वैल्यू निकाली है उसमें उतने अंक दाएं से बाएं तरफ, नहीं गलत हो गया, बाएं से दाएं तरफ वन पॉइंट लगा दीजिए, जीरो था एक जोड़ा एक हो गया तो बाएं से दाएं तरफ एक डिजिट बाद अंक लगा देंगे दशमलव लगाने के लिए, हमारा क्या हो गया गुणोत्पन्न। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम खंडित श्रेणी में गुणोत्पन्न भी करते हैं।